सीएम के ऊपर जो गलत शब्द यूज किया है उसका हम निषेध करते हैं। हम लोग सबसे चुपलून के सबसे सैनिक है, सूचित करते हैं कि आप चुपलून में पुलिस पटन ले बिगड़ घूम के दिखाइए। नासिक शहर पुलिस आयुक्तालय के हद में शिवसेना के जो नासिक शहर शहराध्यक्ष है उन्होंने कल रात को आकर के तकरार दी नासिक शहर के साइबर पुलिस स्टेशन अंतर्गत कलम 5 आईपीसी 500 505 2 और 153B ऐसा करके ये तीन सेक्शन के तहत गुना दाखिल किया गया है। कोर्सिव एक्शन है, उसको लेने के लिए यहाँ से टीम रवाना की गई है और जो भी जहाँ पर भी माननीय मंत्री महोदय होंगे वहाँ के कोर्ट में साहब को हाजिर किया जाएगा और जो फिर अदालत जो निर्णय देगी उसको हम लोग मान्य करेंगे। राज्य में राज्य के नेताओं ने क्या बोलना क्या नहीं बोलना इसके बारे में बैठकर एक बार कोड ऑफ कंडक्ट करना चाहिए, लेकिन एक वाक्य से गिरफ्तारी का वारंट निकलता है इसका अर्थ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी घबड़ गई है जिस प्रकार से राणे जी के यात्रा को प्रतिसाद मिल रहा है। और ये पॉलिटिकल राइवली है, इसमें कोई मेरिट नहीं है और हम ये सहन नहीं करेंगे। और इक्के दुक्के आकर लोग आकर पत्थर मार कर जा रहे हैं तो इसमें क्या पौरुषार्थ है। तो राज्य में सरकार इनकी है, कायदा प्रशासन की जिम्मेवारी सरकार की है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण राव जी राणे इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। शर्जिल उस्मानी नाम का एक व्यक्ति महाराष्ट्र में आकर भारत माता को गाली देता है, हिंदुओं को गाली देता है और महाराष्ट्र की पुलिस अव्वल तो उसके खिलाफ FIR भी नहीं करती, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, अव्वल तो कानूनन पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती। पर महाराष्ट्र में आजकल कानून का राज नहीं दिखता, गैर कानूनी ढंग से अगर उन्हें अरेस्ट किया गया तब भी जन आशीर्वाद यात्रा चलेगी।